पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में एक दिवसीय ये बाल संस्कार शिविर का कार्यक्रम आज हम लोग जवाहर टोला के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में रखे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे को हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे हम स्वस्थ बना सकते हैं और उनका चरित्र कैसे उन्नत हो सकता है, तो आइए इस विषय में हम चर्चा भी करेंगे और खड़े होकर के कुछ अभ्यास भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग खड़े होकर के 3-4 आसन करेंगे, तो ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कपीचल ताड़ासन ऐसे करेंगे। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों हाथों को फंसा करके और माथे पे रख दीजिए और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाइए और पूरा ऊपर खींचिए। और खींचिए ऊपर और धीरे धीरे फिर नीचे करो, फिर एक बार करिए। ये नीचे करिए, इसका नाम है ताड़ासन। क्या नाम है इसका? ये बच्चों के लंबाई के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको गैस कब्ज होता है, जिनको कड़ा पैखाना होता है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है कि सुबह उठ करके गर्म पानी पी करके और ये 3-4 आसन यदि करें तो उनका आँख में जो मल होता है, जो सूख जाता है, वो ढीला हो जाता है और सोच बढ़िया होता है और कभी उधर संबंधी और गैस कब्ज संबंधी बीमारियाँ कभी नहीं होंगी। तो आपको ना लकवा लगेगा, ना शुगर होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना हार्ट अटैक होगा, ना बवासीर होगा। यानी जिस व्यक्ति का पेट साफ होता है उस व्यक्ति को 1000 प्रकार की बीमारियां नहीं होती। तो आइए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग ऊर्ध्व ताड़ासन का। अब इसमें हाथ ऊपर भी उठाएंगे और एड़ी को भी उठा लेंगे हम लोग ऐसे। थोड़ा ऊपर खींचिए हाथ को, फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऊर्ध्व ताड़ासन। बिना पैर उठाए हुए कर रहे थे तो वो था ताड़ासन, आज जब एड़ी को उठा लिए तो हो गया ऊर्ध्व ताड़ासन। ठीक है, एक बार और करिए, ऊपर उठाइए पूरा, पेट खिंचा रहा है। ये कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत बढ़िया है, एकाग्रता भी। तो शरीर हिल रहा है ना आप लोग का? शरीर जब ना हिले 5-5 मिनट तक इसको कर सकते हैं आप, तो शरीर हमारा बैलेंस में आ जाता है। नहीं तो क्या है ना कि हम लोग तलमला जाते हैं, अनबैलेंस होता है शरीर। तो ये हो गया ताड़ासन और ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग, अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पैर खोल लीजिए, पैर खोल लीजिए। ये है तिर्यक ताड़ासन। क्या नाम इसका? सांस भर के हाथ उठाइए और इधर झुकिए, पूरा हाथ टाइट करिए। अभी धीरे धीरे सीधा हो जाइए, इधर खींचा रहा है, तरफ है, इधर करिए, सांस भरिए और इधर झुकिए। थोड़ा सा रोकिए अभी, हाँ धीरे सीधा हो जाए, खींचा रहा था ना। तो किसी चीज को बार बार यदि खींचेंगे, बार बार यदि हम किसी चीज को खींचेंगे तो क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होगा? बड़ा होगा। स्वाभाविक है कि हम अपने शरीर को बार बार दोनों तरफ से झुकाएंगे तो यहाँ खिंचाव हो रहा है तो हमारा शरीर लंबा होगा। क्या होगा? मांसपेशियां मजबूत होंगी। क्या मजबूत होंगी? मांसपेशियां मजबूत होंगी और एड़ी से लेकर के और ये हाथ तक कभी आपको लकवा नहीं लगेगा और शरीर के नस नाड़ियों में किसी प्रकार का कभी भी अवरोध नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा। अब आइए दोनों हाथों को खोल लीजिए, अब सांस को भरिए
और बायां हाथ को रखिए बाएं कमर पर, दाहिना हाथ का हथेली ऊपर उठा ले और धीरे धीरे हाथ उठता जाएगा और ये हाथ सरकता जाएगा नीचे नीचे ले जाइए, इसको घुमाते रहिए ले जाइए और ये हाथ को गिराइए अपने कान की तरफ ऐसे, हाथ सीधा रखिए फिर सीधा हो जाइए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप दूसरे तरफ से करेंगे, आप हाथ को पुनः सीधा कर लीजिए और दाहिना हाथ को दाहिने कमर पर और बायां हाथ उलट करके ये उठाते जाएंगे और दाहिना हाथ को नीचे सरकाते जाएंगे और पूरा झुक जाइए ऐसे, कान पर रखिए हाथ को गिरा दीजिए। बहुत अच्छा, इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे यह आसन चल रहा अभी तो जब आसन को तेजी से करेंगे तो व्यायाम हो जाता है, क्या हो जाता है? हाँ, इसको जब फास्ट करेंगे ऐसे तो ये व्यायाम हो जाएगा। तो अभी हम आपको आसन सिखा रहे हैं, आप इसको करेंगे तो शरीर आपका लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा और जिस व्यक्ति का शरीर लचीला होगा वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। आइए अब हम आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं ऐसे और दोनों पैरों को सटा भी लीजिए, सटा दीजिए और सांस भर के पीछे जाइए और सांसों को छोड़ते आगे की तरफ झुकिए ऐसे। अब हथेली को जमीन पे सटाइए उंगली को ऐसे, फिर सांस को भर के ऊपर उठिए ऐसे, और फिर आगे जाइए, फिर उठ जाइए। इसका नाम है पादहस्तासन। क्या नाम है इसका? तो ये हमारे चार पांच प्रकार के आसन है और तीन प्रकार के हम अभी आपको प्राणायाम बता रहे हैं। अभी हम तीन प्रकार के प्राणायाम बताए, कितने प्रकार के? जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं होगा। अब ये तीनों प्राणायाम बताएंगे उसका लाभ भी बताएंगे आपको, कौन कौन से बीमारियों में फायदा करता है। तो आप लोग बैठ जाइए वहीं पर जहाँ जहाँ पर है, बैठ जाइए लाइन में बैठ वहीं पे बैठ जाइए, चप्पल खोल के बैठ जाइए। अब ये ध्यान मुद्रा है हमारा, देखिए अंगूठा और तर्जनी, इसमें पांच अंगुलियां हैं, कितने अंगुलियां हैं? बोलिए अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। ये पांच अंगुलियां पांच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। अब हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, बोलिए इसको, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अब अग्नि और वायु तत्व को मिलाइए इस प्रकार, अग्नि तत्व और वायु तत्व को मिला दिए हैं तो ये हो गया ध्यान मुद्रा। क्या हो गया? ध्यान मुद्रा। अब दोनों हथेली को अपने थेउना पे रख लीजिए, बहुत अच्छा। अब शरीर को सीधा करिए और पहला अभ्यास बता रहे हैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम का, किसका? बोले भस्त्रिका, 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 अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, रामरी, रामरी, रामरी। अच्छा आप लोग योग का नाम सुने कभी? योग सुने हैं, प्राणायाम का नाम सुने आप लोग? प्राण का नाम सुने हैं? किसी को अपने टोला मोहल्ला में प्राण निकलते हुए देखे आप लोग? अल्लाह चाचा के प्राण निकल गया, प्राण निकल जाता है तो क्या हो जाते हैं? यानी किस व्यक्ति का?
जिस व्यक्ति का प्राण कमजोर है वह जल्दी मरेगा कि देरी से मरेगा? जल्दी मरेगा। शरीर हट्टा कट्टा, अमीर, सब साधन उसके पास, लेकिन प्राण कमजोर है तो जल्दी धाराशायी हो जाएगा, मरेगा। जैसे मकान है ऊपर से प्लास्टर चिकना दिए, इसका नींव खराब है, ईटा नुनियाया हुआ है, तो टिकेगा ज्यादा दिन तक? नहीं टिकेगा। इसलिए प्राण को मजबूत करना है तो प्राण को यदि विधि पूर्वक लिया जाए तो उसका नाम हो जाता है प्राणायाम। क्या नाम होगा? बोले प्राणायाम, प्राणायाम, प्राणायाम। बहुत अच्छा। अब तीन तरह के प्राणायाम सिखा देते हैं आपको। तो पहले धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। सब लोग सांस भरिए, छोड़िए। ये लाइन थोड़ा ठीक कर बेटे, इधर बस सीधा करो लाइन। सांस को पूरा भरिए, सांस को पूरा छोड़िए। सांस पेट में मत ले जाइए, फेफड़ा में ले जाना है। फेफड़ा फैलेगा डायफ्राम और डायफ्राम सिकुड़ेगा। भरिए पूरा, इसको तेजी से करिए, तेजी से। ठीक तेजी से सांस भर रहे तो डायफ्राम क्या हो रहा है? फैल रहा है। और छोड़ रहे तो पचक रहा है। अब सांस को भरेंगे। जब सांस को हम भरते हैं फेफड़ा में तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचता है। क्या पहुंचता है? बोले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब जिस आदमी के शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगा वो कभी बीमार नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि शरीर के अंदर जितना खून है वह एक मिनट में शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? बोलिए, हृदय में जाता है। कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। बोला हार्ट में, हृदय में जाता है। एक मिनट में पूरा खून जाता है शुद्ध होने के लिए, और फिर शुद्ध होकर के फिर वापस आता है। और जो आदमी 5 मिनट तक लंबा लंबा सांस भरेगा वो शरीर के खून को कितना बार शुद्ध कर लिया? बोलिए, 1 मिनट में एक बार तो 5 मिनट में 5 मिनट अभ्यास करना है। बोलिए, दमा, टीबी, सर्दी, जुकाम, कैंसर, चर्म रोग नहीं होगा जिंदगी में कभी आपको, ठीक है? इसलिए जिंदगी भर इसको करना है। 5 मिनट सुबह में समय मिले तो शाम को भी आप लोग करना है। दूसरा अभ्यास हम बता रहे हैं अनुलोम विलोम का। बाया हथेली को बाएं घुटना पे रखिए आप लोग ठेवना पर, और दाहिना हथेली का जो तर्जनी है उसको मोड़ लीजिए। अब हथेली को अपने नाक की तरह घुमा लीजिए, दाहिना हाथ अपना इधर वाला हाथ, दाहिना जिसे खाना खाते हैं आपका वही दाहिना है, वो पीला वाला। हाँ, दाहिना भी समझो, दाहिना हाथ किधर है आपका? इधर है। तो दाहिना हाथ का तर्जनी मोड़ करके और नाक पे लगा दीजिए, लगा दीजिए। अब बायां नाक से धीरे धीरे सांस भरिए और बायां को फिर बंद कर लीजिए। अंगूठा हटा करके दाहिने से फिर सांस को बाहर करिए, फिर दाहिना से भरिए, फिर दाहिना बंद करिए और बायां से छोड़ दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक करवा दीजिएगा सबको, दाहिना हाथ कर लेगा सबको, दाहिना हाथ करवा दीजिए। धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। इसका नाम है अनुलोम विलोम। जब बाएं नाक से सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा स्वस्थ हो जाता है, और जब बाएं नाक से सांस भरते हैं तो दिमाग का बायां हिस्सा स्वस्थ हो जाता है। आप जिसको मिर्गी की बीमारी है, जिसको फरका आता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको नींद नहीं आती है, जो तनाव क्रोध में रहता है,
उस व्यक्ति को 15 मिनट भी करवाया जाए तो इन सारी बीमारियों से आजीवन भर छुटकारा मिल जाएगा उसको, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको पढ़ने में मन लगेगा, किससे मन लगेगा, ऐसे मन लगेगा। अब दोनों अपना कान में लगाइए, सर्जरी को ललाट पे रखिए, तीनों उंगली मोड़ के यहाँ पर, फिर मुंह बंद करके नाक से सांस भर के और फौरा जैसा गुंजन करना है 5 बार, ओम है। अब हाथ नीचे करिए, बोले भाई।